खरीदी बिक्री के मामले में एक व्यक्ति से करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आ रहा है। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ सीताबर्डी थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता राजेश राम स्वरूप सारडा रामसन स्थंतुली निवासी है, जबकि आरोपी सचिन रामदास मित्तल दकड़ी पार्क रामदास पेट निवासी बालकिशन मोहन लाल गांधी लाड़ी का मानेवाड़ा निवासी है। घटना 6 अक्टूबर 2009 से 28 मार्च 2011 के दरमियान घटित हुई। घटित प्रकरण के अनुसार सचिन मैसेज ग्लैंडस्टोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और लेआउट कंपनी का संचालक है। आरोपियों ने बरसों पहले राजेश से जमीन का सौदा किया है। बिक्री पत्र में 2,85,00,000 रुपए कीमत बताई गई थी। आरोप है कि राजेश को यह रकम मिली नहीं थी। इस बीच राजेश ने आरोपियों के लिए निर्माणधीन डुप्लेक्स बंगलों में 30,00,000 रुपए का निवेश किया, लेकिन ना ही उसे रकम मिली और ना डुप्लेक्स बंगलों का कब्जा दिया गया। इस तरह राजेश को आरोपियों ने 3,15,00,000 रुपए का चूना लगा दिया। कई बार उनके बीच विवाद भी हुए। आखिरकार मामला थाने पहुंचा। मामला विवादित और संपत्ति से जुड़ा होने के कारण शुरुआती दौर में ही पुलिस ने भी इसमें कोई रुचि नहीं ली। इस बीच आला पुलिस अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करने से अपराध शाखा के आर्थिक विभाग को इसकी जांच करने को कहा गया। मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ सीताबर्डी थाना में यह प्रकरण दर्ज किया गया है। 2012 यांच्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे 3 duplex फ्लॅट बुक करण्यासाठी त्यांना 30,00,000 रुपये ॲडव्हान्स दिले होते व ॲग्रीमेंट टू सेल केलं होतं, परंतु आजपर्यंत त्यांनी काही ते फ्लॅट बांधलेही नाहीत आणि त्याचा कुठलाही ताबा फिर्यादीला दिला नाही। त्याचप्रमाणे फिर्यादीची एक जमीन त्यांनी विकत घेतली होती, त्याची किंमत 8 crore आसपास त्याची किंमत ठरली होती। त्यापैकी लगभग 5 crore रुपये त्यांनी फिर्यादीला वॉटर दिले होते, त्याचे पैसे परत दिले होते, परंतु 2,85,00,000 रुपये हे आतापर्यंत त्यांनी दिलेले नाही। याबाबतीत त्यांचा सिव्हिल कोर्टमध्ये दावा चालू आहे, परंतु अद्यापर्यंत त्याला पैसे दिले नाहीत। अशा प्रकारे दोन्ही व्यवहारामध्ये लगभग 3,15,00,000 रुपयाची फसवणूक केली म्हणून पोलीस स्टेशन सीताबर्डी येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे व त्याचा तपास पुढचा चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN News नागपूर।